नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस जगह का वीडियो बना रहा हूँ वो इंडिया का बहुत ही फेमस जगह है जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपको जंतर मंतर का वीडियो बना के दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखा सकूँ। बाकी अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पेज टूर एंड ट्रेवल पर फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे टूर एंड ट्रेवल का जो पेज है उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा सकें। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर पे आना चाहते हो तो आपको कनॉट पैलेस से ये नियर अबाउट है। इसके अलावा अगर मेट्रो से आ रहे हैं आप तो राजीव चौक अथवा पटेल चौक पे आप उतर सकते हैं मेट्रो से। इसके अलावा अगर आप बस से आ रहे हैं तो जो नगर पालिका है, नगर पालिका बस स्टैंड इस सबसे नज़दीकी है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों बना था जंतर मंतर। जंतर मंतर इसलिए बनाया गया था ताकि हम समय का अनुमान लगा सके कि एक बज रहा, दो बज रहा, तीन बज रहा, चार बज रहा है। इसके अलावा जो ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, इनकी जो गति है वो किस तरह की गति है उसको निकालने के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा ये जो गति है, जैसे हवा चल रहा है या कोई तेज़ तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, इन सब के जानकारी के लिए ही जंतर मंतर बनाया गया था। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ का वातावरण है। ये आप खूबसूरती देख सकते हो यहाँ का कि कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और जो निर्माण किया गया है जंतर मंतर का, जिस जो राजा ने बनवाया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम उसके परछाई से या अपने खगोलीय कैलकुलेशन से जान सकें कि कितना टाइम हो गया है और क्या कोई तूफान आने वाला, इस तरह की जानकारी के लिए ही इन्होंने बनाया था। तो इसको बनाने का मुख्य मतलब ये था कि हम समय की सही गणना कर सकें और अगर कोई राजा आक्रमण करता है तो उसमें हम जानकारी रख सकें। तो मैं इस पे आपको बहुत ही एक लंबा सा वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम ये जान सकते थे बिना घड़ी के, बिना मोबाइल के, कि कितना टाइम हो रहा है और तूफान वगैरह का स्थिति इससे कैसे निकाला जा सकता था, उसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी आप लोगों से मेरा ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप क्या जानते हैं जंतर मंतर के बारे में वो हमें ज़रूर बताएं कि आपको जंतर मंतर पे ये जानकारी मिली थी। इसके अलावा अगर आप जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे गए हैं और कुछ चीज़ें और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से सीढ़ी बनाई गई है और किस तरह से ये सुंदर सुंदर से नज़ारे बनाए गए हैं। इसका मुख्य काम यही था कि हम समय की गणना कर सकें। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पाम के पेड़ लगे हैं बहुत सारे। और ये पार्क जो बना है, अक्सर मैंने बहुत ही मैं कई बार आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो कपल्स आते हैं या जो वहाँ पे नियर अबाउट में काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, अपना वो टाइम पास करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शोरगुल कम होता है इसलिए आते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो, इसी से जो है गणना किया जाता है ये कि क्या समय हो रहा है, कितना टाइम बज रहा है या जो है ग्रहों की गति कैसे है, इसी आधार पे जो है ये गणना किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊँ उसमें आपको बता सकूँ कि किस तरह से समय की गणना की जाती है। और ये दिल्ली का जंतर मंतर है। बाकी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अगली वीडियो जो जयपुर में जंतर मंतर है उसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।